फ्रेंड्स, आपको मैं बताने जा रहा हूँ धनतेरस पर न खरीदें ये सामान, घर परिवार हो सकता है बर्बाद। धनतेरस पर खरीदारी करने की परंपरा और मान्यता दोनों है। सदियों से ये रीत चली आ रही है। देवी लक्ष्मी की तरह ही भगवान धन्वंतरी भी सागर मंथन से उत्पन्न हुए हैं। धन्वंतरी जब प्रकट हुए थे तो उनके हाथ में अमृत से भरा कलश था, इसीलिए इस अवसर पर बर्तन खरीदने की परंपरा है। धनतेरस के दिन सोने और चांदी के बर्तन, सिक्के और आभूषण खरीदने की परंपरा रही है। सोना सौंदर्य में वृद्धि तो करता ही है, मुश्किल घड़ी में संचित धन के रूप में भी काम आता है। कुछ लोग शगुन के रूप में सोने या चांदी के सिक्के भी खरीदते हैं। यह भी कहा जाता है कि इस दिन धन यानी वस्तु खरीदने से उसमें 13 गुना वृद्धि होती है। लोग इस दिन दिवाली की रात पूजा करने के लिए लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति भी खरीदते हैं। बदलते दौर के साथ लोगों की पसंद और जरूरत भी बदलती है। कुछ लोग धनतेरस के दिन विलासिता से भरपूर वस्तुएं खरीदते हैं तो कुछ जरूरत की वस्तुएं खरीदकर धनतेरस का पर्व मनाते हैं और अपने सामर्थ्य के अनुसार यह पर्व मनाते हैं। धनतेरस के दिन वाहन खरीदने का फैशन सा बन गया है। लोग इस दिन गाड़ी खरीदना शुभ मानते हैं। कुछ लोग मोबाइल, कंप्यूटर और बिजली के उपकरण इत्यादि भी धनतेरस पर ही खरीदते हैं। धनतेरस पर भूलकर भी ना खरीदें ये सामान। शीशे का संबंध भी राहु से है, इसकी खरीदारी से बचें। अगर शीशा खरीदे तो ध्यान रखें वह पारदर्शी अथवा धुंधला नहीं होना चाहिए। दूसरा, कांच का सामान। तीसरा, एल्यूमिनियम के बर्तन न खरीदें। यह ऐसा धातु है जिस पर राहु का आधिपत्य होता है। लगभग सभी शुभ ग्रह इससे प्रभावित होते हैं। इसी कारण एल्यूमिनियम का प्रयोग पूजा पाठ और ज्योतिष की दृष्टि से नहीं किया जाता। एल्यूमिनियम का प्रयोग वास्तुशास्त्र, स्वास्थ्य और ज्योतिष की दृष्टि से अत्यधिक हानिकारक माना जाता है। नुकीला सामान जैसे चाकू, कैंची, छुरी और लोहे के बर्तन नहीं खरीदने चाहिए। तो ये फ्रेंड्स, धनतेरस पर न खरीदें ये सामान, घर परिवार हो सकता है बर्बाद। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक और शेयर करना ना भूलें।